नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अस्तित्व टीवी में। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामचरितमानस में कहा गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात जिसने प्राणों को दांव पर लगाकर अपने वचन को निभाया, जिसने सबको मर्यादा का पाठ पढ़ाया, जो जन्मे तो एक साधारण मनुष्य के रूप में, लेकिन अपने कर्मों से देवता होने का एहसास कराया, वो पुरुषोत्तम श्री राम। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अहंकारी लंकापति रावण का वध किया था। रावण के अत्याचार और अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए ही भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री राम ने रावण का वध कर पृथ्वी को रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। रावण पर विजय प्राप्त करने की खुशी में ही दशहरे का पर्व मनाया जाता है। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार भी किया था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें कि इस बार दशहरे का शुभ मुहूर्त क्या है और किस तिथि को दशहरा मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस वर्ष दशहरे का पर्व 15 अक्टूबर 2021 को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रमा मकर राशि श्रवण नक्षत्र रहेगा। दशहरे का पूजन अब आपको बताते हैं कि उसका शुभ मुहूर्त क्या है। दशमी तिथि 14 अक्टूबर को शाम 6:52 से प्रारंभ होगी, जो कि 15 अक्टूबर को शाम 6:02 पर समाप्त होगी। वहीं श्रवण नक्षत्र 14 अक्टूबर 2021 की सुबह 9:36 पर आरंभ होगा। ये नक्षत्र 15 अक्टूबर 2021 सुबह 9:16 पर समाप्त होगा। 15 अक्टूबर को पूजन का समय दोपहर 2:02 से लेकर दोपहर के 2:48 तक रहेगा। विजयदशमी का पर्व हमें सच्चाई के साथ चलते हुए मर्यादा के साथ जीने का संदेश देता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि विजयदशमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, श्री राम की पूजा की क्या विधि है, आज के दौर में विजयदशमी का रूप कितना बदल चुका है। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस दिन कौन कौन से शुभ काम किए जाते हैं। इस दिन भगवान राम, श्री राम, दुर्गा जी, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी और हनुमान जी की आराधना करके सभी के लिए मंगल कामना की जाती है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विजयदशमी पर रामायण पाठ, श्री राम रक्षा श्रोत, सुंदरकांड पाठ भी किया जाना शुभ माना जाता है। तो अब आपको बताते हैं कि किस विधि से भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। सबसे पहले दशहरे की सुबह स्नान आदि करने के बाद घर से उत्तर भाग में सुंदर मंडप बनाए, उसके बीच में एक वेदी बनाए, उसके ऊपर भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित करें, गेहूं या चूने से दशहरे की प्रतिमा बनाए, गाय के गोबर के 9 गोले व 2 कटोरियां बनाकर एक कटोरी में सिक्के और दूसरी कटोरी में रोली, चावल, जौ व फल रखें। अप्रतिमा को केले, जौ, गुड़ व फल से सजाएं। अप्रतिमा को केले, जौ, गुड़ अर्पित करें। यदि बही खाते या शास्त्रों की पूजा कर रहे हैं तो उन पर भी ये सामग्री जरूर अर्पित करें। इससे यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर गरीबों को भोजन भी कराएं। इसके बाद जब रावण दहन हो जाए तो शमी की पत्ती अपने परिजनों को दे दें, फिर बड़े सभी बुजुर्गों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करें। अब साथ ही दशहरे के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। दशहरे के दिन ही नवरात्र की समाप्ति होती है। दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और इसी दिन देवी माँ की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा भी की जाती है और विजय पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति भी हो सकती है। लंकापति रावण का वध कर प्रभु राम ने माता जानकी को रावण की कैद से मुक्त कराया था, तभी से असत्य पर सत्य की जीत के रूप में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। दशहरा शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से बना हुआ है, दशा जो कि रावण के 10 सिरों की प्रतिनिधित्व करता है,
और हारा जिसका अर्थ है हारना। इस प्रकार दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक राक्षसों ने पुतलों में आग लगाने से आपके भीतर बुराई जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो चलते चलते बस उम्मीद करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पर हम सभी अपने जीवन में आत्मसात करें और यूं ही बुराइयों का नाश कर अच्छाइयों को रोशन करते चलें।